प्रिय दर्शकों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जो हैं हमारे इस अध्ययन में एक बार फिर से आप जुड़ सकते हैं। आपने समय निकाला है इस अध्ययन को सीखने के लिए, इसको इसमें अपना मन लगाने के लिए। मैं परमेश्वर की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सबको ये अच्छा अवसर दिया है कि हम सब मिलकर इस अपने इस त्रिमास के अध्ययन का पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। मैं वेलकम करना चाहती हूँ आप सबका प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में, जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वेलकम करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ दिल से हमारे जो अजीज़ मेहमान हैं, जो आज हमारे पाठ का हमें अध्ययन कराएंगे, मिस्टर राजेश चंद आपका और पास्टर भारती आपका भी, कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस अध्ययन को हमें सिखाने के लिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम 2021 के ये चौथा जो है त्रिमास है, इसमें हम इसको पहले पाठ का अध्ययन हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये नया त्रिमास है और इसके आज पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। और हमारे इस त्रिमास के लिए जो हमारे को पुस्तक दी गई है, वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन हम इस त्रिमास में करेंगे, जिसका शीर्षक है व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वर्तमान सत्य। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है व्यवस्था विवरण की प्रस्तावना। हमारा जो आज का याद वचन है वो भी आप निकाल सकते हैं, आप भी बाइबल खोल लीजिए, जो कि यूहन्ना के पहले और उसके चारवें अध्याय की 8 आयत से लिया गया है। इससे पहले कि हम याद वचन को पढ़ें, मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद हम सब की दुआ में अगुवाई करें, ताकि हम इस लेसन को बड़े अच्छे ढंग से सीख सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे अवसर के लिए जो आपने हमें प्रदान किया कि हम यहाँ इकट्ठे होकर आपके वचन से अध्ययन कर सकते हैं। और प्रभु, जब हम आज एक नया त्रिमास में नए पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि हम इस पाठ को जो आज के लिए दिया गया है, हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, इसका अध्ययन कर सकें। और जो बातें इसमें बताई गई हैं प्रभु, वो हमारे जीवन को एक और अच्छा जीवन बनाने में सहायक हों। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि जब हम इस अध्ययन को करते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम लोग पढ़ते हैं प्रभु, तो आप हमें होली स्पिरिट का दान दें, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें प्रभु। और जितने भी हमारे दर्शक आज इस ऑनलाइन प्रोग्राम में इस अध्ययन को सुनने के लिए, देखने के लिए जुड़ेंगे प्रभु, हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उनके दिल को, उनके दिमागों को खोल, ताकि वो इस अध्ययन को हमारे साथ कर सकें और अपने जीवन को इस के अनुसार चला सकें प्रभु। हम जानते हैं कि शैतान हमें बहुत तरीके से बहकाता है और हमारे विश्वास को डावाडोल करने की कोशिश करता है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य दें, ताकि हम अपने विश्वास में अडिग रहें, और जब तक आप बादलों पर नहीं आते तब तक हम आपके साथ जुड़े रहें और आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। अजीजो, आज का याद वचन जो कि बहुत ही सुनहरी आयत है, आपको भी याद होगी ये मन से, जो कि पहला यूहन्ना उसके चारवें अध्याय की 8वां पद, इस तरह लिखा गया है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर आशीष दे। अजीजों, आज जो हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो बाइबल में जोड़ी गई, और इसको जो है समझना कठिन है जब तक कि हम उसकी जो संदर्भ है, किस संदर्भ में ये वो पुस्तक दी गई, क्या समय था, क्या इतिहास था उस समय, उसको जब तक हम ना समझें तब तक जो है इस पुस्तक को समझना कठिन है। जैसे कि एक पुस्तक के आगे कोई भी किताब जब उसको छापा जाता है, तो उससे पहले उस किताब के बारे में थोड़ा सा उस किताब के विषय में बताया जाता है, ऐसे ही जो है हमें भी जो है इसको सीखना है, जो उसका टेक्स्ट है उसका संदर्भ क्या है, ये इसके किताब का क्या अर्थ है, और इस किताब को लिखने का
जोड़ने का क्या उद्देश्य परमेश्वर का रहा, ये जो है हम आज सीखेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी जो गाड़ी के आगे विंडशीट वाइपर लगा रहता है, उसको अगर हम अलग से देखें विंडशीट वाइपर को, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसका उद्देश्य है, इसका क्या अर्थ है, क्या चीज़ है। परंतु जब वो गाड़ी के साथ जब वो लगा होता है, तो हम देख सकते हैं कि उसको लगाने का क्या महत्वपूर्ण कारण है। अजीज़ो, इसी तरह हमारी ये जो व्यवस्था विवरण पुस्तक पवित्र बाइबल में दी गई है, इसका एक वर्तमान प्रकाश वर्तमान सत्य है जो हमें प्रकाशित करता है, हमें प्रकाश देता है आज के संदर्भ में। आज की सत्यता क्या है, हमारे आज के जीवन की सच्चाई क्या है, उसको बहुत सही तरीके से, सच्चे ढंग से जो है उसको उजागर करता है जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं। इन्हीं बातों को जो है व्यवस्था विवरण की, जो कि भी हज़ारों वर्ष पहले व्यवस्था विवरण को पहले जो क्या इतिहास था, उसके बाद क्यों ये दी गई पुस्तक, उसके विषय में आज हम जानेंगे। इस पर उनमें जो मुख्य बातों को ध्यान इसमें दिया गया है अध्ययन में, क्योंकि छोटा सा ही हमारा एक क्वार्टर है, इसमें समझाया गया है मुख्य मुख्य बातें, उनको यहाँ पर केंद्रित किया गया है जिसके द्वारा हम इसको अच्छे से समझ सकें। आइए हम आज अपने अध्ययन का शुरू करते हैं रविवार के अध्ययन से, जिसका शीर्षक है प्रेम पाने के लिए प्रेम। अजीरो, हम सब जानते हैं कि जब हम प्रेम पाना चाहते हैं तो हमें भी है प्रेम करने की आवश्यकता है। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती इस विषय पर रोशनी डालें कि परमेश्वर हम सबसे क्या उम्मीद करता है, हम क्या ऐसा करें कि परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। मिसेज भारती, इस सवाल का जवाब मैं अपने दर्शकों को बताने से पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे मिसेज भारती ने भी जिक्र किया कि इस त्रिमास में हम व्यवस्था विवरण की किताब को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, और उस किताब के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपके। अगर आप याद करें तो जो यशा की किताब है, उसके अगर आप जो है 22 और 23 अध्याय में आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जोशिया राजा जो है, जब वो 8 वर्ष का ही था, उसको राजा बनाया गया और 21 साल तक उसने राज किया। और अपने राज के शुरू में ही उसने जो है देखा कि परमेश्वर का मंदिर जो है वो गंदा और बंद पड़ा हुआ है, उसको जो है उसने खोलने की इजाज़त दी, खोलने के लिए लोगों से निवेदन किया और कहा कि तुम इसकी साफ सफाई करो और यहाँ आराधना जो है वो शुरू की जाए। अजीजो, जब लोग जो है वहाँ पर उस मंदिर की सफाई कर रहे थे, बर्तनों की सफाई कर रहे थे, उन कब्रों की सफाई कर रहे थे, तो वहाँ सफाई करते हुए उनको एक किताब मिली और उस किताब को जो है जो सापान था उसको जो है हिल्किया ने, जो वहाँ का मुख्य याजक था, उसको वो किताब मिली और उसने सापान मंत्री को वो किताब दी और ले जा करके उसने राजा जोशिया के सामने उस किताब को पढ़ा। और जोशिया था उसने जब उस किताब के वचनों को सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़े और परमेश्वर के सामने रोया और गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना की। अजीजो, ये किताब थी व्यवस्था विवरण की किताब, जो बाइबल के ज़्यादातर इतिहासकार इस बात के ऊपर सहमत हैं कि जब मंदिर की सफाई हो रही थी तो ये वाचा की किताब वहाँ मंदिर में लोगों को जाए मिली। और आज इस किताब के द्वारा हम अपने उस वर्तमान सच्चाई को, वर्तमान सत्य को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, जो आज भी मेरे और आपके लिए वो लागू होता है। और जैसे मिसेज भारती ने आज की खास आयत को पढ़ा कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर जो है वो प्रेम है, और यहाँ उन्होंने पढ़ा कि जो प्रेम नहीं रखता वे परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अजीजो, यहाँ ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम दिखाता है, या यहाँ ये नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम करता है, बल्कि यहाँ 3 शब्द जो है लिखे हैं, परमेश्वर प्रेम है। इन 3 शब्दों के आज इस त्रिमास में हम जो है इन 3 शब्दों को बहुत अच्छी तरीके से इस त्रिमास में हम लोग सीखते जाएंगे कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो है उसको प्रेम करें। जैसे सवाल जो है आज किया गया कि हम जो है वो किस तरह से हम परमेश्वर को प्रेम करें, हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों को प्रेम करें, और प्रेम के बदले में हम क्या चाहते हैं। अजीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति को दिल से प्यार करते हैं तो
तो वो भी आपको दिल से प्यार करेगा। अगर आप जो हैं वो ऊपर के मन से उसको प्यार करते हैं तो वो भी दिखावे का प्यार जो है वो आपसे करेगा। अगर आप किसी की इज्जत करते हैं दिल से तो वो व्यक्ति भी जो है हो सकता है कि कुछ समय वो आपकी इज्जत ना करे, लेकिन समय के अंतराल के साथ वो देखा गया कि ये व्यक्ति मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे मेरा बहुत आदर सम्मान करता है, वो भी जो है उसको आदर और सम्मान और प्रेम करने लगेगा। अजीजो, परमेश्वर ने मुझे और आपको इस क्षमता के साथ बनाया है कि हम परमेश्वर को प्यार कर सकें, लोगों को प्यार कर सकें। उसने जो है मुझे और आपको ये समझ और बुद्धि उसने हमें दी है कि हम लोगों को प्यार कर सकें। उसने हमें आज़ादी के साथ बनाया है, स्वतंत्रता उसने हमें दी है, चुनने की शक्ति उन्हें हमें दी है, प्यार करने की समझ जो उसने हमें दी है। अगर हम चाहते हैं तो किसी को प्यार कर सकते हैं और अगर चाहते हैं तो किसी को नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है वो क्या चुनते हैं। यहाँ आज के पर्चे में जो है लूसीफर का उदाहरण दे करके समझाया गया है कि परमेश्वर ने उसको भी जो है स्वतंत्र रूप से बनाया, पूरी क्षमता के साथ बनाया कि वो परमेश्वर को प्यार कर सके, लेकिन वो अपने इस दायित्व से वो संतुष्ट नहीं था, वो सेटिस्फाई नहीं था। वो चाहता था कि मुझे और भी जो है बड़ा ओहदा मुझे जो है वो दिया जाए, और इसी असंतोष की वजह से उसने जो है परमेश्वर के विरोध में जो है उसने काम किया। और आज भी जो हम देखते हैं कि उसका ये योजना उसने आज इस दुनिया के लोगों के बीच में, मनों के बीच में, लोगों के मनों में, हृदयों में उसने जो है डाल दी है। और आज मेरे और आपके सामने भी ये रास्ता है कि जो परमेश्वर प्रेम है उस प्रेम को हम चखें और परमेश्वर को प्रेम करें, इंसान को प्रेम करें। और परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल से, पूरी आत्मा से और पूरे समझ के साथ हम उसको प्यार करें, और परमेश्वर भी हमें उसी लहजे से, उसी मात्रा से, अपनी दिल की गहराइयों से वो इंसान को प्यार करता है। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती आपका, इतने अच्छे ढंग से आपने समझाया। आइए हम सोमवार के पर्चे में चलते हैं जिसका शीर्षक है पतन और जल प्रलय। मिस्टर राजेश चंद से चाहूँगी कि वो अपने विचार हमें इस विषय में बताएं कि परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियम में प्रेम निहित स्वतंत्रता को कैसे प्रकट करते हैं। परमेश्वर द्वारा बनाए गए नियम प्रेम में निहित स्वतंत्रता को कैसे प्रकट करते हैं। जी धन्यवाद। आपने आज का जो पाठ है सोमवार का, उसको उसकी शुरुआत आपने कर दी है ये प्रश्न पूछ के, और मैं उसका शीर्षक भी आपको बता दूं कि सोमवार का जो पाठ है उसका शीर्षक है पतन और जल प्रलय। पास्टर भारती ने अभी अभी हमें बताया कि परमेश्वर प्रेम है, ये तीन जो शब्द हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि परमेश्वर यहाँ ये नहीं कहता है कि परमेश्वर प्रेम करता है या परमेश्वर प्रेम करना चाहता है, यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम में सब चीज़ों की रचना करी है। और जो सोमवार का पाठ है उसका जो शीर्षक है पतन और जल प्रलय, जब हम इस शीर्षक को पढ़ते हैं पतन, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है और वो है कि पाप। जब पाप आया तो पतन हुआ। यदि हम न्यूटन की कहानी को देखें, न्यूटन की कहानी जो है वो हर एक स्कूली बच्चा जानता है, और आइज़क न्यूटन उनका नाम था जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की खोज करी थी। और एक बार जब वो बैठे हुए थे अपने गार्डन में तो उनके सिर पर एक सेब गिरता है ऊपर से, वहाँ पे एक सेब का वृक्ष था और उसमें से एक सेब टूटकर गिरता है जो कि उनके सिर पर लगता है, ऐसा कहानी में कहा गया है। तो आइज़क न्यूटन ने उस वाक्य को लेकर
उस घटना को लेकर गुरुत्वाकर्षण की खोज करी। और गुरुत्वाकर्षण ये नहीं कि वो उन्होंने उसको बनाया, बल्कि गुरुत्वाकर्षण जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, ये पहले से विद्यमान था। और उस समय के जो लोग थे, जो न्यूटन के समय में रहते थे, वो ये समझते थे कि जो नियम स्वर्गीय ऑब्जेक्ट्स पर या जो ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो लागू होते हैं वो नियम, और जो पृथ्वी पर जो नियम लागू होते हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन सर आइज़क न्यूटन ने हमें ये समझाया और उन्होंने ये नियम दिया कि ये जो लोग सोचते हैं ये सब गलत है, क्योंकि जो नियम वहाँ लागू होते हैं स्वर्गीय या आकाश के जो ऑब्जेक्ट हैं, जो चीज़ें हैं, जो सूरज है और जो दूसरे प्लैनेट हैं उन पर लागू होती है, वही बातें और वही नियम यहाँ पर भी लागू होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि न्यूटन ने हमें ये बताया या लोगों को बताया कि उनका विश्वास जो था वो गलत था। हालांकि न्यूटन का जो योगदान है वो प्राकृतिक क्षेत्र में था, लेकिन नैतिक नियम के साथ भी ऐसा ही है। नैतिक नियम जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे मोरल प्रिंसिपल हैं, उनके ऊपर भी सेम नियम जो हैं वो लागू होते हैं। नैतिक स्वतंत्रता जिनके कारण लूसीफर का पतन हुआ, जो नैतिक स्वतंत्रता जो दी गई थी लूसीफर को, उसने उसका उल्लंघन किया और उसकी वजह से पतन हुआ लूसीफर का। और यही पतन जो है ये पृथ्वी पर भी हुआ, और कारण एक ही था, नैतिकता का उल्लंघन किया गया। नैतिक स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने अपने प्रेम के निहित दी थी उसका उन्होंने उल्लंघन किया। और हम देखते हैं कि इसी उल्लंघन के चलते, इसी के वास्ते हमारा जो है पतन हुआ और पृथ्वी पर पाप आया। और हम देखते हैं कि ये पतन जो था ये बढ़ता ही चला गया, बद से बदतर होता चला गया, यहाँ तक कि प्रभु ने मानव जाति के बारे में कहा कि मनुष्यों की जो बुराई है वो पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उसके मन में जो विचार उत्पन्न होता है वो हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि हमारे मन में हमारे जो विचार हैं वो गलत होंगे तो हम कार्य भी गलत करेंगे। जिस प्रकार से लूसीफर के मन में गलत विचार आया और उसने गलत काम किया, उसी प्रकार से हम लोग भी करते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु ने इस पृथ्वी को जल प्रलय से ख़त्म किया, नष्ट किया। लेकिन हम यहाँ पर भी एक और चीज़ ये देखते हैं कि प्रभु ने मानवता को फिर से शुरू होने का एक अवसर दिया, क्योंकि उनमें जो थे वो जो नोआ और उसकी फैमिली जो बचाए गए थे उनके वजह से दोबारा से जीवन शुरू हुआ इस पृथ्वी पर। ये एक प्रकार से दूसरी रचना थी। और हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से लोग फिर दुनिया में फैले और दोबारा से दुनिया शुरू हुई। और पतन का कारण हम यही पाते हैं कि लूसीफर के दिमाग में, उसके मन में जो विचार आया, जो उसने नैतिक स्वतंत्रता जो उसको दी गई थी उसका उसने उल्लंघन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर राजेश चंद आपका कि आपने इतना अच्छा अपने विचारों को साझा किया। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है अब्राम की बुलाहट। और मैं चाहती हूँ पास्टर भारती इस विषय पर रोशनी डालिए, आज मेरी और आपकी बुलाहट परमेश्वर के किस काम के लिए है। ये सवाल जो है मिसेज भारती ने पूछा है, और आज के पर्चे को ध्यान में रखते हुए अब्राम की बुलाहट और उसी तरह से मेरी और आपकी बुलाहट है, क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया के तमाम लोगों को बुलाया है। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में उसने दुनिया के तमाम लोगों को दावत दी है, वो सबको प्यार करता है, और उसने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो ये बुलाहट, ये निमंत्रण अब्राहम को, मुझे और आपको और दुनिया के तमाम लोगों को, इस निमंत्रण को, इस बुलाहट को उसने मेरे और आपके सामने रखा है। ये निर्भर करता है मेरे और आपके ऊपर कि हम उस निमंत्रण को किस तरह से स्वीकार करें या उसका इनकार कर दें। अब्राहम के बारे में हम लोग आज सीख रहे हैं कि अब्राहम के पास जब ये निमंत्रण पहुंचा तो वो अपना परिवार, अपना देश, अपने अजीज रिश्तेदारों को छोड़ करके
वो परमेश्वर के कहने के अनुसार जो है वो निकल आया, जिसका जिक्र उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में जो है वो यहाँ पर पाया जाता है, और उसी का रेफरेंस जो है यहाँ पर दिया है गलतियों की किताब उसके 3 अध्याय की 7 आयत से 9 आयत में पढ़ना चाहूँगा अपने अजीजों के लिए। अतः यह जहाँ लोग की जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया, तुझ में सब जातियाँ आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अजीजो, अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम के संतान हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो जो आशीष परमेश्वर ने अपने जन अब्राहम को दी वो आशीषें परमेश्वर मुझे और आपको भी देना चाहता है, और परमेश्वर जो है वो मुझे और आपको मौका देता है कि हम उसके इस निमंत्रण को जो है वो स्वीकार करें। और परमेश्वर आज जो जिम्मेदारी उसने अब्राहम को सौंपी वही जिम्मेदारी आज उसने मुझे और आपको सौंपी है कि अब्राहम को उसने बुलाया और वो उसकी योजना के तहत अपने घर को अपने देश को छोड़ कर के वो सफ़र पर जो है वो निकल गया। और यहाँ जो गलतियों की किताब में लिखा है कि उसने ऐसा जीवन जिया कि जो दूसरों के लिए आशीष का जीवन बन सका, और दूसरी जातियाँ जो हैं वो आशीष उसके जीवन के द्वारा पा सकें। और आज मेरे और आपके लिए लिखा है कि अगर हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं, अब्राहम की संतान हैं, और हम जो है धर्मी ठहराए जाएंगे। और लिखा है कि वही आशीष मैं और आपको मिलेंगी अगर हम और आप परमेश्वर को जो है मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, और उसके वचन को अपने जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भाती आपका इतने अच्छे संदेश के लिए जो आपने हमें आज सिखाया। आइए बुधवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है सिनाई में वाचा। और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद इस बात विषय पर रोशनी डाली, सिनाई पर्वत पर कौन सी वाचा परमेश्वर ने अपने लोगों को दी? सिनाई में वाचा मिस्र में लहू के चौखट से लेकर लाल सागर के नाटक तक, जब मिस्र से इजरायली लोगों को निकाला गया था वहाँ से लेकर लाल सागर तक, हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो लाल सागर से पार हुए थे, और लाल सागर जो था वो 2 भागों में बंट गया था और उसमें से इजरायली लोग निकले थे। और ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा होगा वहाँ से मिस्र से निकलना और लाल सागर को पार करना, ये इजरायली लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही आश्चर्यजनक एक निर्गमन रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उस समय के जो लोग थे उनके ऊपर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव रहा होगा। जो मिस्र में पायलटों से लेकर समुद्र की तलहटी तक सिपाहियों तक जो मर गए थे, परमेश्वर जो है उनका न्याय जो है वो उचित रीति से करेगा। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों के लिए क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। तो परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर, जिस प्रकार से उकाब पक्षी जो होता है वो अपने बच्चों को जब वो उड़ना सिखाता है तो उकाब पक्षी अपने बच्चों को ऊपर से ऊंचाई से छोड़ देता है नीचे, जब वो गिरते हैं तो नीचे आके फिर उनको उठा ले जाता है। तो इसी प्रकार से उकाब पक्षी की तरह परमेश्वर ने अपने पंखों पर चढ़ाकर अपने मिस्र से लोगों को अपने लोगों को निकाला। और प्रभु ने ये आश्चर्यजनक और नाटकीय बचाव क्यों किया? हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है, तो प्रेम ही सब चीज़ का बिंदु है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो परमेश्वर का प्रेम है। वास्तव में एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से बाहर निकालना, अब मिस्र एक राष्ट्र था और उसमें से इजरायली लोग जो एक राष्ट्र के समान थे उनको बाहर निकाला गया था, और मूसा ने उनसे कहा था फिर क्या परमेश्वर ने किसी और जाति को किसी दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह
और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए जैसे तुम्हारे परमेश्वर ने मिस्र में तुम्हारी आँखों के सामने किए। तो मूसा जो है ये इसराइल लोगों से प्रश्न करता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से तुम्हें वहाँ से निकाला है, तुम्हारी आँखों के सामने उसने कितने आश्चर्यजनक और अद्भुत कार्य किए हैं। तो परमेश्वर ने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला या उनको बाहर बुलाया। क्यों बुलाया? अब ये एक बहुत ही आसान सी बात है, परमेश्वर के लिए अपने लोगों को वहाँ से निकालना एक बहुत ही आसान बात हो सकती थी। वो सिर्फ परमेश्वर को कहना था और वहाँ से वो निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने मूसा को चुना और मूसा को वहाँ पे भेजा ताकि वो उनको वहाँ से बाहर निकाले। परमेश्वर ने उन्हें वंश पिताओं के वंशज इब्राहिम, इसहाक और याकूब को बुलाया। इन वंशजों के साथ यहोवा ने अपनी वाचा को स्थिर किया और वे निश्चय ही सब लोगों में से तुम ही मेरा निजी धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय और 5वें पद में हम इसको पढ़ते हैं। ये संबंध वाचा के केंद्र में था। तो वाचा के केंद्र में ये संबंध था और ये संबंध था क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। और जो उनकी विशेषता परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिली, जो उनकी विशेषता थी, जो इज़राइली लोगों की विशेषता थी या उन्हें विशेष स्थान दिया गया था, वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उनको मिली। परमेश्वर ने उन्हें वाचा की कुछ शर्तों को भी दिया जिसका हम उल्लेख आगे देखेंगे। हम इसको निर्गमन की किताब उसके 20वें अध्याय में भी पढ़ सकते हैं जहाँ इसकी पुष्टि भी की गई है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद आपका इतने अच्छे ढंग से सिखाने के लिए। आइए हम अपने गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक है धर्म त्याग और दंड। और मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हमारे दर्शकों को बताएं जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते उनका बाइबिल के अनुसार क्या परिणाम होगा, आप समझाएं। परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते बाइबिल के अनुसार उनका जो है क्या हर्ष होगा, क्या प्रतिफल उनको मिलेगा, क्या उनका जो है निष्कर्ष निकलेगा, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालने से पहले अपने लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर तमाम लोगों को प्यार करता है और परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को जो है ये दोहराया है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि लोगों ने भी जो है वो बार बार जो है उन्होंने कहा है कि परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को, हम तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अगर हम जो हैं जो निर्गमन की किताब है उसके 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो हम पाते हैं कि मूसा नबी जो शिक्षाएं, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा नबी को दी और उसने आकर के जो है वो इसराइली लोगों को सुनाई, जिनको परमेश्वर जो है वो मिस्र देश से उनको निकाल करके लाया, जो अब्राहम का वंश था जो मिस्र देश में चला गया था, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसके वंश को मिस्र देश से भी बुलाया और उसके सामने जो है ये नियम रखे, ये आज्ञाएं रखी और उन्होंने जो है उनके साथ वादा किया कि परमेश्वर हम तेरे साथ तेरे वचन को, तेरी आज्ञाओं को हम मानते रहेंगे। लेकिन हम समय के अंतराल के साथ साथ ये देखते हैं कि परमेश्वर तो अपने वादों में वो वफादार रहा, सच्चा रहा, लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे वो अपने वादों को जो है वो भूलते चले गए। और ऐसा भी समय आया कि वो परमेश्वर के नियमों से, आज्ञाओं से वो दूर चले गए। उसके बाद फिर जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो उसके विश्वासी लोग थे, उनके द्वारा फिर उनको ये हिदायत दी और जिसका जिक्र जो है मैंने अभी जो हमारी किताब है व्यवस्था विवरण की किताब और जो दूसरा राजा है उसके 22 और 23 आयत में भी, अध्याय में भी हम पाते हैं कि होशिया राजा ने भी जो है उनको बाइबिल सिखाई, उनको व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ कर के सुनाई। उन्होंने वादा किया कि जो किताब में लिखा है हम उसके अनुसार अपने जीवन को जो है व्यतीत करेंगे। गिनतियों की किताब उसके 14वें अध्याय में जो हम पाते हैं कि अब्राहम जो है बार बार उनको जो है मूसा बार बार उनको कहता है और जब वो उससे दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर उनको दंड भी देता है। अजी जो यहाँ लिखा है कि
जो निर्गमन की किताब है उसके 19 अध्याय की 8 आयत में सब लोग मिलकर के बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तो ये वादे जो लोग परमेश्वर के साथ करते थे उसमें वो कमज़ोर होते चले गए, उसको उन्होंने तोड़ दिया, उससे दूर चले गए। और जब उनको फिर हिदायत दी गई तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, प्रार्थना की, उपवास किया और फिर वो परमेश्वर के पास आए। अजीजो, आज ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने जो अब्राहम का वंश है, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उनके द्वारा ये उद्धार की योजना, जो उसके इस वर्तमान सत्य की जो सच्चाई है उसको लोगों के साथ बांटने की जिम्मेदारी उसने आज मुझे और आपको और अपने कलीसिया को उसने जो है सौंपी है। और दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये निमंत्रण आज ये कलीसिया दुनिया के लोगों को देना चाहती है कि जो यीशु मसीह को स्वीकार करेगा उसका प्रतिफल जो है उसको अच्छा मिलेगा, लेकिन जो उससे दूर चला जाएगा उसके लिए जो है लिखा है परमेश्वर के वचन में कि उसके लिए जो है वो खराब दिन आएगा, जिस दिन वो कहेगा कि हे पहाड़ों, हे पर्वतों मुझे छुपा लो, हे पर्वतों मेरे ऊपर गिर जाओ, और वहाँ जो है रोना पीटना और दांत खिसखिसाना होगा। लेकिन उन लोगों का हसर जो है वो अनंत मौत होगी, लेकिन जो विश्वासी हैं, जो अब्राहम के वंश के हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, वो यीशु मसीह के साथ आसमान के बादलों पर अनंत जीवन का भोगने के लिए, उसके साथ जीने के लिए वो स्वर्ग में जाएंगे और हमेशा हमेशा रहेंगे। तो जिन्होंने धर्म त्याग कर दिया है और जो अंत तक जो है वो लौट करके नहीं आएंगे, उनके लिए प्रतिफल है कि उनको अनंत मौत जो है उनके हिस्से में आएगी, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके हिस्से में अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर देगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका, आपने जो समझाया। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में अब चलते हैं, और मैं चाहती हूँ मिस्टर राजेश चंद इस बात को हमें समझाएं, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए क्या हमें अपने पापों को स्वीकार करना, प्रायश्चित करना अनिवार्य है। जी, तो शुक्रवार का जो पाठ होता है उसमें अतिरिक्त विचार दिए जाते हैं जो कि हमारी जो एक बहुत बड़ी भविष्यवक्ता रही हैं मिसेस एलन जी वाइट, उनके द्वारा दिए गए होते हैं। तो महान विवाद विषय पर एक बहुत ही गहन अध्ययन किया गया और उसमें जॉन पेकन द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका शीर्षक है थियोडिसी ऑफ लव, कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईविल। इसमें हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वही केंद्र बिंदु है, जो ग्रेट कंट्रोवर्सी है बिटवीन गुड एंड ईविल, उसका जो केंद्र बिंदु है, जो उसका सेंटर है, जो उसका थीम है, वो परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम ठीक से समझें तो ब्रह्मांडीय विवाद के केंद्र में है वो है प्रेम। प्रेम ही जो ये महान विवाद है उसके बीच में पाया जाता है, और प्रेम के प्रति ईश्वर की जो प्रतिबद्धता है वो पर्याप्त कारण प्रदान करती है। ईश्वर जो है वो प्रतिबद्ध है। क्यों प्रतिबद्ध है? क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम है इसलिए परमेश्वर जो है वो सबको प्रेम करता है, चाहे हम कोई भी हों, चाहे हम किसी भी प्रकार का जीवन जीते हों, परमेश्वर फिर भी हमसे प्रेम करता है। तो परमेश्वर का जो प्रेम है वही केंद्र बिंदु है। जिस आज्ञा से इज़राइल का कनान देश में 40 वर्ष तक प्रवेश नहीं हुआ, वह मूसा, हारून, केलब, जोशुआ, उनके लिए एक बहुत बड़ी निराशा का कारण था। वो बहुत निराश उससे हुए होंगे, फिर भी हम देखते हैं कि उन्होंने बिना किसी बड़बड़ाहट के, बिना कुछ कहे इसको स्वीकार किया, इस ईश्वरीय निर्णय को उन्होंने स्वीकार किया। 40 वर्ष तक वो इजरायली लोगों के साथ उस रेगिस्तान में घूमते रहे,
और फिर भी उन्होंने परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसको माना, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको उन्होंने सहज स्वीकार किया। परंतु जो उनसे परमेश्वर के व्यवहार की शिकायत करते थे, जो इजरायली लोग हम जानते हैं, जब हम उनकी कहानी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से इजरायली लोग जो थे वो हारून से और इनसे कंप्लेन किया करते थे, उनसे शिकायत किया करते थे, और वे घोषणा करते थे कि हम जो हैं मिस्र को लौट जाएंगे, हम मिस्र में वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा हो रहा, हमें ये नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है, और वो बहुत सारी शिकायतें करते थे। वे रोए और उन्होंने विलाप भी किया। जब उनसे वे आशीष और जो आशीर्वाद था परमेश्वर का वो उनसे वापस ले गया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। इसलिए जो आशीष प्रभु उनको देना चाहता था, जो उनको देता था, वो उनसे वापस ले लेगी। यदि वे अपने पापों के लिए रोते, यदि वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करते तो शायद ये सज़ा उनको नहीं मिलती। तो एलन जी वाइट हमें यहाँ पर ये बताती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पापों से दूर जाएं, हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। हमें अपने पापों को जानना है और उनका प्रायश्चित करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिना प्रायश्चित किए हमें जो है छुटकारा नहीं मिलेगा हमारे पापों से, और हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जिस प्रकार से इजरायली लोग जो थे वो रोए, उन्होंने विलाप किया, लेकिन अपनी गलतियों के लिए नहीं। उन्होंने विलाप किस लिए किया? क्योंकि जो आशीष थी, जो परमेश्वर का वरदान था उनके लिए, वो उनसे वापस ले लिया गया, इसलिए वो विलाप कर रहे थे, अपनी गलतियों के लिए नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। शुक्रगुजार हूँ पास्टर विश्वराज छत आपका, आपने इतने अच्छे से तरीके से हम सबको सिखाया, हमें दर्शन को कुछ समझाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ आपका, आपने जो विचार प्रकट किए पास्टर आराध भारती, आपका भी मैं शुक्रिया अदा देती हूँ कि आपने अपने विचारों को हम सबके साथ साझा किया। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं, जो आज हमारे लिए व्यवसाय विवरण के मुख्य मुख्य उद्देश्य और विचारों को दिया गया, परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर हमसे बेहद प्यार करता है और वो चाहता है कि उसके प्रेम में हम बने रहें, हम उसको प्रेम करें, दिल से प्रेम करें। और प्रेम हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके आज्ञाओं का पालन करें। उसने हमें आज्ञाएं दी हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही बुराइयां हैं, अगर हम इस दुनिया के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता भी दी है, हमें चूज़ करना है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी आज्ञाओं अपने उन पर चलना है या परमेश्वर ने जो दिया है मार्ग, जो आज्ञाएँ दी हैं, जो सच्चाई का मार्ग दिया है, प्रभु यीशु पर भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए, उसके आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना है। हम दुनिया में रहते हुए जो है बहुत सी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, परंतु जो है हमें बहुत सावधान रहना है। हमें प्रभु के जो इंजिल था उसकी तरह जो है उन शक्तियों को नहीं पाने की कोशिश करनी है, पावर को पाने की कोशिश नहीं करनी है, धन दौलत को पाने को नहीं चाहना है। हम सब की दुआ में अगुवाई करें ताकि हम इस लेसन को बड़े अच्छे ढंग से सीख सकें। आइए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे तमाम दर्शकों के साथ हमें ये मौका दिया कि हम तेरे बाइबल की इस व्यवस्था विवरण की किताब से परमेश्वर उस वर्तमान सत्य को जान सकें जो तूने गुजरे वक्त में अपने लोगों को दिया, और परमेश्वर उनको बुलाया और उनको तूने जिम्मेदारी दी कि वो इस सच्चाई को, तेरे शुभ संदेश को परमेश्वर अपने जीवन में माने और दूसरे लोगों के साथ भी उसको साझा कर सकें। परमेश्वर हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमें से हर एक के साथ हो, कि हम तेरे इस वर्तमान सत्य को, तेरे सुसमाचार को, यीशु मसीह के जीवन को हम लोगों के साथ बांट सकें। दुआ करते हैं तो हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी खेती बाड़ी पर परमेश्वर तेरी कसरत से आशीष हो। खुदामंद तू हमें से हर एक की अगुवाई कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।